नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोग जीवन बनाम परीक्षा के बारे में जो है चर्चा करेंगे कि जीवन परीक्षा से किस तरीके से जो है जुड़ा हुआ है, क्या व्यक्ति के इस परिवेश में, इस माहौल में जो कि देश दुनिया और समाज में बना हुआ है, उसमें जीवन परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है या परीक्षा जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है या दोनों में एक संतुलन का संबंध है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग खंगालने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व में हम लोग आज की एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो कि अखबार में देखने के बाद जो है मर्माहत करती है, वो ये थी कि सिद्धार्थनगर का एक प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में जो रह करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, वह परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के सदमे के चलते हुए अपनी जिंदगी से हार मान ली और ट्रेन के आगे कूद करके उसने अपनी जान दे दिया। अब यहाँ पर यह विश्लेषण करने का जो विषय है कि परीक्षा का दबाव उसके ऊपर इतना ज़्यादा कैसे बना कि वह कैंडिडेट जो है, वह प्रतियोगी विद्यार्थी और परीक्षार्थी जो है वह जिंदगी से हार मान लिया। यह केवल एक कैंडिडेट के साथ नहीं बल्कि देश दुनिया और समाज में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अलग अलग सभी विद्यार्थियों के सामने ये समस्याएं हैं। उन्हें जो है अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने मित्र दोस्तों, सभी लोगों के जो दबाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये मान लेना आवश्यक है कि इतना दबाव व्यक्ति को लेना चाहिए कि वह जिंदगी से हार मान ले? निश्चित तौर पर यह एक गलत डिसीजन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे की जो परिस्थितियां हैं उससे निकलने का भी व्यक्ति को हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब हम यहां पर इस बात को देखना चाहेंगे कि अगर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का एक उदाहरण लिया जाए तो क्या यह मान लिया जा सकता है कि क्या परीक्षा को पास करना ही जो है जिंदगी के सफल होने का आधार है? अगर व्यक्ति परीक्षा नहीं पास करता तो क्या वो जिंदगी में असफल हो गया? ऐसा एकदम कदापि नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो परीक्षा का जो एक सेक्शन होता है, बल्कि दुनिया में जिंदगी एक बहुत बड़े जो है सेक्शन के रूप में जो है लाइफ में आती है और वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए परीक्षा को केवल एक परीक्षा या जीवन के भाग के रूप में ही व्यक्ति को देखना चाहिए। यह निश्चित तौर पर सत्य बात है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना एक अच्छी बात है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि वह ही सब कुछ है तो ये गलत है। और अगर वह यही कह दिया जाए कि परीक्षा में पास होना ही एक सफल जिंदगी का जो है लक्षण है और इसकी विशेषताएं हैं, तो यह भी अपने आप में यह गलत बात है। परीक्षा में सफल होना आवश्यक है, एक जिंदगी का एक भाग है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर आप सोचिए कि सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने उनके ऊपर यह दबाव बनाया होता कि आपको एसएससी की परीक्षा पास करनी है, एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करना है, तो एसएससी की परीक्षा या लोक सेवा आयोग की परीक्षा या बैंक की परीक्षा या रेलवे की परीक्षा पास करना है, तो इन सभी परीक्षाओं को पास करके वो कहां पर जाते? उनके अंदर एक ऐसा गुण था, एक ऐसी विशेषता थी जिस पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और उस क्षेत्र में अपने लगन, मेहनत, ईमानदारी के भाव को डालने का प्रयास किया और वो दुनिया में जो क्रिकेट के भगवान बन गए। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण और विशेषताएं होती है। उस गुण और विशेषताओं को व्यक्ति को ईमानदारी से जो है जांचने और परखने का प्रयास करना चाहिए और उस फील्ड में मेहनत और ईमानदारी से अपनी पूरी क्षमता लगानी चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर इस तरीके से आप करते हैं तो दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति आप बनेंगे जिसे लोग सफल व्यक्ति के रूप में जो है मानेंगे और आने वाले समय में जो है आपको किसी भी प्रकार के ऐसे नकारात्मक टिप्पणियों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जिस स्थिति में जो है आप जा करके अपने परीक्षा को जो जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लें। और ऐसा कभी भी और किसी भी दशा में नहीं मानना चाहिए। तो हर कैंडिडेट जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, सभी के ऊपर ये दबाव होता है। दबाव इसलिए भी होता है क्योंकि वो जब ईमानदारी और मेहनत से किसी लक्ष्य को पाना चाहता है तो एक संशय की स्थिति होती है, एक भ्रम की स्थिति होती है और वो होगा भी, ये स्वाभाविक है। क्योंकि अगर इस तरीके की समस्याएं न हो व्यक्ति के पास तो उस परीक्षार्थी, विद्यार्थी और कायर में कोई अंतर नहीं हो जाता। अगर युद्ध करने से पहले युद्ध का परिणाम आपके पक्ष में दिखे तो युद्ध कायर भी लड़ सकता है। युद्ध में वीरता का सवाल इसी बात से होता है कि युद्ध में जो है एक संशय की स्थिति होती है और आपके साहस की परीक्षा होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपने साहस को, अपने गुण को, अपनी मेहनत और ईमानदारी के भाव को बचाए रखना होगा और इन्हीं के रास्ते पर आपको आगे बढ़ना होगा। अंत में एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये परिस्थितियां यदि सबके साथ होती हैं तो परीक्षार्थी को क्या करना चाहिए? परीक्षार्थी को यही करना चाहिए कि वह जिस भी लक्ष्य की जो है तैयारी कर रहा है, उस लक्ष्य की तैयारी के लिए वह जो है मेहनत और ईमानदारी,
ये मैं पूर्व के 10वीं लेक्चर में मैं कम से कम इस बात को जो है मैं बता चुका हूं और इसी चीज को आज भी मैं यहां पे बता रहा हूं। ये फार्मूला ऐसा है, यदि व्यक्ति अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करे तो वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। कि मेहनत का तात्पर्य है कि आपने जिस लक्ष्य को बनाया है उस लक्ष्य के लिए आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल और पाठ्यक्रम है उस पर आप मेहनत से जो है प्रयास करेंगे। मेहनत का तात्पर्य है कि आप अनुमान लगाएंगे कि इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को आपकी एग्जामिनेशन की डेट तक पढ़ने के लिए कितने समय की जरूरत है और उतने समय की जो है आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी में खर्च करेंगे। और तैयारी कभी घंटों में नहीं होती, तैयारी आपके तैयारी में होती है, यानी कि आपकी तैयारी होना चाहिए, आपको प्रतीत होना चाहिए, आपको अनुभूति होना चाहिए कि आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो हमारी तैयारी उसमें शाम तक हो जाती है। और ईमानदारी का मतलब कभी केवल झूठ बोलने से नहीं है। यहां पर जब आप परीक्षार्थी होते हैं तो आपके लिए ईमानदारी का मतलब यह है कि आपका निष्पक्ष मूल्यांकन, और वह मूल्यांकन आप स्वयं अपना करेंगे। और अगर आप अपना स्वयं निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस जो है कारक से अपने आप को पृथक नहीं कर पाएंगे, और जब इस कारक से पृथक नहीं कर पाएंगे तो आपको इस कारक से कोई पृथक कर ही नहीं सकता है। इसलिए आप जो है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आप स्टडी मटीरियल बनाइए, आप मेहनत कीजिए, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं घंटे में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ समय होगा, 8 से 10 घंटे का आपका प्रयास होना चाहिए। और वो प्रयास जो है आपकी ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए, यानी कि आपको प्रतिदिन अपना निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा और ये देखना होगा कि आप जो भी तैयारी शुरू किए थे उसकी आपको प्राप्ति हुई कि नहीं, उसके बारे में आपको समझ बनी कि नहीं। यदि समझ नहीं बनी है तो आप पुनः उसका अध्ययन कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक कि उसकी तैयारी ना हो सके। आप यकीन मानिए कि जिंदगी और परीक्षा के दौड़ में जो है हर स्थिति पर आपका विवेक आपका मार्गदर्शक होगा, और जिंदगी में आप क्या करते हैं, कहां पर जाते हैं, क्या परीक्षा देते हैं, इस निर्णय का केवल एक ही निर्णायक है, और वह निर्णायक आप स्वयं हैं। इसलिए आप समाज के या किसी अन्य तत्व के दबाव को अपने जीवन पर कभी मत लीजिए। परीक्षा की तैयारी आप ईमानदारी और मेहनत से कीजिए, और हर दिन आपका यह प्रयास होना चाहिए कि हर अगले दिन आपकी तैयारी पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में एक ऐसे टाइम पर, एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां पर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपको जो उस परीक्षा के लिए सिलेक्ट करेगी और आप सफल लोगों की श्रेणी में सम्मिलित होंगे। इसलिए दबाव को स्वीकार मत कीजिए, मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास कीजिए। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले मोटिवेशनल लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।